बाल दिवस पर बच्चे बने समीर वानखेड़े और आर्यन खान, नशा मुक्ति का दिया गया ज्ञान। जी आपको बता दें कि मुंबई के दहिसर पूर्व में अनोखे तरीके से बाल दिवस मनाया गया। समाज सेविका ममता शर्मा ने बाल दिवस के मौके पर नशा मुक्ति अभियान चलाया। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चे मुंबई NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का मुखौटा पहनकर चिल्ड्रेन डे मनाते हुए नजर आए। ममता शर्मा ने कहा कि आज देश में युवा पीढ़ी नशे का शिकार हो रही है और ताज़ा उदाहरण आर्यन खान हैं। इसलिए हम बच्चों को NCB अधिकारी समीर वानखेड़े और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का मुखौटा पहनाया है ताकि दूसरे बच्चे नशा से दूर रहें। यहाँ पर आप चिल्ड्रन डे के दिन समीर वानखेड़े और आर्यन खान का फोटो लेके बच्चों को खड़ा कर रही हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं और क्या कहना चाहेंगे? आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है जिसे चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। सभी बच्चों के साथ मैं आज बच्चों के लिए भारत को एक मैसेज देना चाहती हूँ। 16 साल की उम्र में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य की स्थापना के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे। जब उनकी उम्र 16 साल थी, 11 साल के संत ज्ञानेश्वर महाराज भी इसी धरती के इसी भारत की भूमि से पैदा हुए हैं, लेकिन आजकल के बच्चों में वो स्वतंत्रता की लड़ाई वाला खून नहीं, ड्रग्स और नशे का खून, और उनके यूरिन में ऐसे सैंपल्स पाए जा रहे हैं जो नशा से भरे हुए हैं। तो इस आज की जनरेशन कोई लड़ाई, कोई सच्चाई की लड़ाई कैसे लड़ेगी जब वो खुद नशे में डूबी हुई है। समीर वानखेड़े जी जो ये सर्च किए और जो उन्होंने ये कार्रवाई की है, इसका सच झूठ का पता तो बाद में पता चलेगा। ये कोर्ट अपना काम करेगी, NCB वाले अपना काम करेंगे, क्या सच है क्या झूठ है ये बात की बात है, लेकिन ये सच है, इतना तो सच है कि आज के बच्चे जो नशा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो जो हीरो हीरोइंस के आजकल के जो हीरो हीरोइन को देख के वो शराब पीता हुआ या ड्रग्स लेता हुआ जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है, उससे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है, इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। आज के देश में नाना पाटेकर जैसे भी कलाकार हैं जो सादा जीवन उच्च विचार रखते हैं, और रतन टाटा जैसे लोग बिजनेसमैन पैदा होने चाहिए इन बच्चों में से, जो इतने अमीर होकर भी आज देश के लिए हमारे गौरव के प्रतीक हैं। मैं चाहती हूँ कि आज के बच्चों को एक ऐसा ही देश का निर्माण करने में उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो भारत का भविष्य उज्ज्वल करें, और ये ड्रग्स और ये जो शराब की जो बिजनेस करने वाला जो बहुत बड़ा मार्केट है जो इन बच्चों को टारगेट कर रहा है, उस बिजनेस मार्केट का नफा ना हो पाए और इन बच्चों को, बॉलीवुड के बच्चों को, ये चीज़ हीरो जिनको हम मानते हैं, उन हीरो को पहले सुधरना होगा तो शायद देश सुधर सकेगा। मतलब आप आर्यन खान को सुधरने की बात कर रहे हैं? मैं सभी वो बॉलीवुड जो हमारे हीरो, हम जिनको हीरो मानते हैं, अगर वो गुनहगार हैं तो हमारा मैसेज है कि बच्चों को वो फिल्मों में ये हमारे हीरो की तरह ये चीज़ें ना दिखाएं। जो स्टार किड्स हैं मैम, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है और नशे की गिरफ्त में आते जा रहा है, स्टार किड्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आज के दिन? सर, कहीं ना कहीं अगर कोई चिंगारी होती है तो ही धुआं उठता है। अगर मुझे ऐसा लगता है, अगर वो निर्दोष हैं तो वो साबित होगा, और अगर निर्दोष नहीं हैं तो बॉलीवुड को वो कहीं से सुधरना होगा, मैं तो यही कहना चाहूँगी।